काफ़ी पिछले कुछ दिनों से जो है उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हुनैद लखानी इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, और ख़बर कुछ इस तरीके से आ रही है कि जो इकरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की है कि उनकी वाकई डेथ हो चुकी है। जो हुनैद लखानी की शख्सियत को ऑलमोस्ट पाकिस्तान पूरे में लोग पहचानते हैं, अगर उनको डायरेक्टली जो नहीं भी जानते तो वो इतना ज़रूर जानते हैं कि यार इकरा यूनिवर्सिटी हो गई, और इस तरह के और बहुत से समाजी जो है वो काम है, ऐसे काफ़ी स्कूल्स हैं और ऐसे बहुत से इदारे हैं जो गरीबों और मुस्तहकीन की हेल्प के लिए चल रहे थे, जो हुनैद लखानी बैक से लीड कर रहे थे, जिसका गवाह मैं खुद भी हूँ। हमारे अपने इलाके के अंदर एक स्कूल है जो 100% हुनैद जो है लखानी कि जो ट्रस्ट है वहाँ से जो है वो फंडेड है, वो स्कूल पूरे का पूरा, और वहाँ अच्छे खासे बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो जी ये कहा बिल्कुल जा रहा है कि वो अभी ऐलान होगा कि वो कब होना है, किस टाइम पे होना है, आज की डेट में। अच्छा, और इनकी जो डेथ हुई है डेंगू की वजह से हुई जी जो है, ये बीमार थे डेंगू की वजह से लोग बता रहे हैं, या जो अब तक उनके ज़रा ऐसे लोगों को ख़बर मिल रही है, और काफ़ी पिछले कुछ दिनों से जो है उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। वेंटिलेटर के ऊपर एक मसनूई सांस जो है वो ले रहे थे। इवन के ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान के लिए। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार ज़िंदगी जो है ना यही है, इंसान को इल्म भी नहीं होता कब कहाँ कैसे क्या चीज़ हो जाए, तो बस कोशिश किया करें कि अच्छे अमाल इंसान रखे, अच्छी चीज़ें रखे, और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से हम गुजारें, ताकि आगे के मामला जो हैं वो हर इंसान के लिए जी आसान हुनैद हो। लखानी एक अच्छे इंसान रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई से उनका ताल्लुक था सियासी तौर पे, और उसके अलावा सामाजिक कामों में भी उनका काफ़ी ज़्यादा किरदार रहा है। उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखें, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। थैंक यू।